देखिए बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं के बाजार गर्म है कि किनको क्या मंत्रालय मिलेगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार न्यूज़ पीआर आपको तमाम खबरों से अपडेट कर रही है, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें आप पहले देखिए। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं, विधानमंडल के अंदर की तस्वीर है। सीएम नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लेने पहुँचे थे। नामांकन के बाद सीएम नीतीश कुमार खुशी से पहुंचे और सर्टिफिकेट लिया, साथ में ललन सिंह और कई मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लगातार न्यूज़ पीआर आपको बता रही है कि आखिर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, सीट शेयरिंग पर क्या सहमति बनी या नहीं बनी। बीजेपी आनन फानन में अपने दोनों डिप्टी सीएम को भेजते हैं सीएम आवास के पास और कैबिनेट विस्तार पर फिलहाल ग्रहण लग जाती है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर से बड़ी बात कह दी है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि शाम शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, यानी जो अंदेशा और जो खबरें चल रही है उस बीच में सीएम नीतीश का चौंकाने वाला बड़ा बयान आ गया। सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और किसी को अंदाजा तक नहीं लग पाता, और वही कारण है कि जब सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद से निकले मुस्कुराते हुए खुश हैं, और साफ तौर से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहले वो सुनिए सीएम नीतीश कुमार सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान क्या दे रहे हैं। जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा, हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। एनडीए में ऑल इज वेल है, मुख्यमंत्री जी नाम में क्लियर होगा। सर एक्सपेंशन कब होगा, कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा, कब होगा सर मंत्रिमंडल विस्तार, बहुत जल्दी होगा, हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर एनडीए में ऑल इज वेल है, मुख्यमंत्री जी नाम में क्लियर होगा। सर एक्सपेंशन कब होगा, कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा, कब होगा सर मंत्रिमंडल विस्तार, बहुत जल्दी होगा।